और दोस्तों मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं हम बालाजी के। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था तो इस चक्कर में बाहर आ चुके हैं हम मंदिर करके। हे गाइस वेलकम टू माय एपिसोड। और आज मैं आ गया हूँ मेहंदीपुते और याले एपिसोड के बाद में हम करेंगे मथुरा वृंदावन के दर्शन। हम चल चुके हैं अपनी बस से पैदल बालाजी के दरबार की तरफ और अभी काफ़ी हमारी पब्लिक भी आगे पहुँच चुकी है। सारे बस के टूरिस्ट सब आ चुके हैं आगे आगे हमारे मंदिर माता अंजनी देवी। और काफ़ी यहाँ पर जैसी पर्सनैलिटी भी है, काफ़ी बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी यहाँ बना रखी है। यहाँ पर कुछ गर्मी पड़ रही है भाई साहब, बिगड़ ही गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। यहाँ सोई बिगड़ पड़ रही है ना, लो बताओ। वही तो, और मैं अभी बतेरी दूर पैदल चल के भी आ गए हैं और धूप कुछ कड़ाके की भी हो रही है, एकदम नंबर वन की यहाँ पर गर्मी पड़ रही है। और दोस्तों हमने शॉर्टकट मार दिया है यहाँ को गली में कोई एक, और गाइस हम गली में से फिर से रोड पर आ गए हैं। पता ना किसी ने हमें शॉर्टकट बताया था तो हम गली में पड़ गए और फिर हम घूम घाम के फिर से वहीं रोड पर आ गए। यहाँ पे मार्केट कुछ दूर तक लग रही है। और गाइस पहुँचने वाले हैं बालाजी मंदिर, बस थोड़ा सा ये रह गया 2-3 मिनट का रास्ता। और दोस्तों यहाँ से ये लाइन चालू होने वाली है दर्शन के लिए और हम इस लाइन में लगने वाले हैं। तो दोस्तों मान चुका हूँ मंदिर के अंदर बालाजी के। और गाइस बालाजी के दरबार में आ चुके हैं बालाजी के पास। और दोस्तों मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं हम बालाजी के। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था तो इस चक्कर में बाहर आ चुके हैं हम मंदिर करके। और गाइस सामने काफी बड़ी मूर्ति है बालाजी की। और अभी घर के कुछ सामान खरीदने में लगे हुए हैं यहाँ पे मार्केट में, काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं। गाइस यहाँ पे मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है और हमारे ऊपर वाला भी मेहरबान है हमारे ऊपर। और दोस्तों बस पर हम पहुँचने वाले हैं काफ़ी टाइम बाद और काफ़ी दूर से आ रहे हैं चल के, समथिंग 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से। और गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अपनी बस पर और हम मिलेंगे आपसे अब मथुरा और वृंदावन में। और आज के लिए इतना ही ब्लॉग काफ़ी है।